दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम रेक्टिफायर ब्रिज यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है उसको बनाने सीखेंगे। तो ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए हमारे पास चार डायोड यानी कि फोर डायोड की ज़रूरत होती है। ये फोर डायोड हैं जो कि PN-SND डायोड हैं, और अगर इनकी लैग की बात करूं तो इसमें एक लैग जो होती है वो एनोड होती है। तो जो ये वाली लैग है, जैसे कि इस की बात करते हैं, ये साइड जो है वो एनोड है, ये साइड जो है वो कैथोड है। तो दोस्तों, ये ब्रिज रेक्टिफायर किस लिए बनाया जाता है और ये कहाँ यूज होता है? दोस्तों, जितनी भी पावर सप्लाइयाँ होती हैं सभी पावर सप्लाइयों में ब्रिज रेक्टिफायर ज़रूर लगा हुआ होता है। और ब्रिज रेक्टिफायर का जो काम है वो पावर सप्लाई को AC से DC कन्वर्ट कराता है। और अगर इसकी बात करें, ये कहाँ कहाँ आपको दिखाई देगा, ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ हैं जहाँ AC से DC सप्लाई बनती है वहाँ आपको ये मिलेगा। जैसे कि TV की पावर सप्लाई हो गई, DTH की पावर सप्लाई हो गई, FM की रेडियो पावर सप्लाई हो गई, रेडियो की पावर सप्लाई, और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जैसे मोबाइल चार्जर की पावर सप्लाई, हर कहीं पे आपको ये ब्रिज रेक्टिफायर देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं किस तरह से बनाया जाता है। तो आप चार डायोड ले लें और चार डायोड में दो डायोड आप लें, और दोनों डायोड का जो है ये जिस पे पट्टी है सुरमई कलर की पट्टी, ये वाला कैथोड है और ये वाला एनोड है। तो आपको क्या करना है, कैथोड कैथोड वाले दोनों डायोड के एंड यानी कि दोनों सिरे को आप उसमें इस तरह से रखना है और कुछ इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। ये हमारा आधा काम हो गया। अब दूसरा डायोड लेना है। दूसरे डायोड में जो है वो एनोड एनोड, ये देखिए दोस्तों, ये एनोड एनोड को दोनों को लेना है और दोनों को ज्वाइंट कर देना है। ये हमारा आधा डायोड इधर बन गया और आधा ये वाला जो हम बना रहे हैं दोस्तों, ये फुल वेव रेक्टिफायर बना रहे हैं। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर बनाते तो हमारा आधे से ही काम चल जाता, लेकिन यहाँ पे आधे से काम नहीं चलने वाला है क्योंकि फुल रेक्टिफायर बना रहे हैं। तो फुल रेक्टिफायर बनाने के लिए हमने ये कैथोड कैथोड वाले जोड़ दिए थे, ये एनोड एनोड वाले आपस में जोड़ दिए थे। अब हमारा जो इसका जो है वो ये देखिए दोस्तों, इसका जो है वो कैथोड सिरा बचा और इसका जो है वो एनोड सिरा बचा, और इसका भी कैथोड इसका भी एनोड। तो हम कैथोड और एनोड को आपस में ज्वाइंट कर देंगे, जैसे कि आप देखिए इस तरह से, ये कैथोड वाले को आपस में ज्वाइंट कर दिया, अब इसको एनोड वाले को आपस में ज्वाइंट कर देंगे। तो दोस्तों, ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, एक फूल की तरह। अब इसमें हम बात करते हैं कहाँ पे कौन से वायर लगेंगे। जो AC वाले वायर हैं, जो ट्रांसफार्मर 909 जो कि ये है ट्रांसफार्मर, इसके जो आउटपुट से जो दो वायर निकल के आते हैं, जो ब्लू वाले जो दो वायर हैं, ये हमारे AC वायर हैं। और ये कहाँ लगेंगे, ये हमारे लगेंगे एनोड कैथोड पे। जो एनोड कैथोड का ज्वाइंट हमने करा था, ये एनोड और ये कैथोड, एनोड कैथोड का ज्वाइंट करा था, इस पर AC वाले वायर लगेंगे, और बाकी जो बचा कैथोड कैथोड और ये एनोड एनोड, इससे हम आउटपुट ले लेंगे जो कि प्योर DC वोल्टेज हमें मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।